Hello everybody, just waiting for some audience to pour in before we start our discussion. Thank you so much, Varsha. Hi, Swati. You are also a sweetheart, by the way. Okay, so let's see who all has joined us so far. So we have Shraddha, Yashoda, Vaidehi, Varsha, Vibha. We have Swati, Yashoda, Aishwarya. And we also have the guest for today. Kalpana has also joined us. Rashmi Tomar, so काफी सारे लोग हमें join कर चुके हैं and in some time we will start this beautiful discussion with a very glamorous lady. तो कुछ ही देर में हम अपनी बातों का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे but उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा wait क्योंकि काफी सारे लोग हमें join करने वाले हैं and because कल हमारा ये queenie discussion का episode होने वाला था but due to some इश्यूज हम कल ये कर नहीं पाए एंड फिर आज हमने नया डेट निकाला तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया लोगों को तो थोड़ा सा हम समय देंगे कि जिससे लोगों को इंस्टाग्राम बता सके कि दीवा पैजेंट्स इज लाइव अगेन एंड दे कैन जॉइन अस. तो इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें मैं आप सब लोगों को वेलकम कर देती हूँ. तो जी आप जैसे कि जानते हैं मेरा नाम है फरा अनवर एंड आई एम द होस्ट ऑफ क्वीनी टॉक्स विच इज प्रेजेंटेड बाय दीवा पैजेंट्स एंड आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 24th विथ वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस लेडीज ऑफ पुणे. हर नेम इज कल्पना मल्होत्रा. शी इज अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हु इज वर्किंग विथ मैक and she was also a contestant of Mrs. India Empress of the Nation where she won the title of Mrs. Glamorous. इसके अलावा इन्होंने फेमिना के भी pageants किए हुए हैं और वहाँ से भी बहुत अच्छे और amazing titles जीत कर ये आई हैं जैसे कि Body Beautiful and Mrs. Dazzling. तो बहुत सारी achievements हैं इनके, बहुत सारी खूबियाँ हैं इनमें जिनके बारे में हमें आके बताएंगे. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हैं तो बहुत सारे मेकअप टिप्स भी आज हमको मिलने वाले हैं. सो आई एम श्योर सब लोग एक्साइटेड हैं. कल्पना हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगी एंड उसके बाद हमारी जो क्वीनी टॉक्स हैं उनका सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा. बट बिफोर हम लोग ऐसा करें मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूँ. मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं तो जिसको भी आपके परिवार में आपके फ्रेंड्स को आपको खुद को अगर रजिस्टर करना है तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और जल्दी से लॉगिन कीजिए www.divapageants.com पे एंड अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए क्योंकि कुछ ही समय बचा है. कुछ ही समय के बाद इसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो बंद हो जाएंगे. ओके सो हम अब बुलाते हैं आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कल्पना मल्होत्रा जी को जो हैं एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ तो लेट्स कॉल हर एंड जिंदगी के बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें. थैंक यू सो मच वंदना. हाय मैम. ब्यूटिफुल कल्पना मल्होत्रा विद अस. हाय कल्पना. हाय मैम. हाउ आर यू. I am doing very well and आपको बोलना चाहिए कि लॉकडाउन में आप बड़ी खूबसूरत हो गई हैं. पहले भी बड़ी ग्लैमरस थी बट अब और ज्यादा ग्लैमरस. थैंक यू सो मच. तो कल्पना सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका ये जो सिलसिला रहा ब्यूटी पेजेंट में आने का इसकी शुरुआत कैसे हुई क्योंकि आप तो मैक जैसी एक इंटरनेशनल बहुत रिनाउंड फर्म में काम करती आ रही है, मेकअप आर्टिस्ट है तो फिर ये ब्यूटी क्वीन बनने का जो भूत था ये आपके सर पे कैसे सवार हुआ? सो बेसिकली जैसे आपने कहा कि मैं मैक के लिए वर्क करती हूँ, जॉब करती हूँ. सो आई वाज ऑलरेडी इन फील्ड ऑफ मेकअप फैशन यू नो
ड्रेसअप करना, तैयार होना. आई यूज टू सी लॉट्स ऑफ यू नो पैजेंट शोज, डिफरेंट शोज एंड ऑल. तो मुझे भी ऐसा लगा यार, आई शुड ऑल्सो ट्राई समथिंग लाइक. अंजना मैम मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में थी एंड आई यूज टू सी पोस्ट एंड ऑल यू नो कल्पना, आपकी डिफरेंट आवाज पेजेंट्स बहुत एंड कट कट शोज. के आ रही है. आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है कल्पना. हेलो कल्पना, आपकी जी मैम, आवाज थोड़ी अभी आ कट कट के आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. रही है? एक सेकेंड आई थिंक. हेलो यस कल्पना, आप हेलो मुझे मैम, बता कैन यू सकते हियर हैं? मी? जी कल्पना, आपकी आवाज आ रही है. जी जी आई एम सॉरी, आई हैव टू होल्ड आई थिंक माई माइक लाइक दिस सो मैं नो क्लियर प्रॉब्लम, रहूँ. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. सो आई सॉ अंजना मैम ऑन माई फ्रेंड लिस्ट एंड आई यूज टू सी लॉट्स ऑफ अ पोस्ट यू नो डिफरेंट पैजेंट्स एंड ब्यूटिफुल गॉर्जियस फीमेल्स विद नो ह्यूज बिग ब्यूटिफुल क्राउन्स एंड ऑल. तो मैंने सोचा यू नो आई थिंक आई शुड आस्क अंजना मैम रिगार्डिंग दिस की एग्जैक्टली यू नो हाउ इट वर्क्स. सो एंड उसी टाइम पे मिसेज इंडिया एम्प्रेस ऑफ द नेशन का आई सॉ द पोस्ट ऑल्सो. सो आई आस्क मैम, मैम कैन आई रजिस्टर, आई मीन कैन आई ट्राई फॉर इट? तो मैम ने बोला क्यों नहीं, यू कैन ऑफ कोर्स ट्राई फॉर इट. सो आई गॉट मोटिवेटेड, मैंने बोला ये तो मैं सोच ही रही थी, चलो एक मिला है सपोर्ट तो आई विल एटलीस्ट ट्राई फॉर इट. आई डोंट नो वॉट विल हैपन, कैसा होगा, बट आई विल एटलीस्ट गिव अ ट्राई. सो आई रजिस्टर माई सेल्फ एंड देन वेन आई गॉट टू नो कि ऑडिशन डेट कब है, आई रीच्ड एट द ऑडिशन प्लेस, आई गेव माई ऑडिशन. ऑडिशन वॉज अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी सपोर्टिव. लाइक इट वॉज फॉर मी इट वॉज फर्स्ट टाइम एंड फॉर यू नो अदर फोर मेनी फीमेल्स इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम. बट ऐसा लगा नहीं कि यू नो आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेस वेयर आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एवरी वन वॉज वेरी सपोर्टिव, अंजना मैम, काल सर, इवन आई रिमेम्बर यू वर देयर दैट टाइम इन आर ऑडिशंस टू जज. सो एंड देन आई गेव माई बेस्ट एंड देन लेटर ऑन आई गॉट अ कॉल दैट यू नो आई एम सिलेक्टेड. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. देन दिस इज हाउ माई पैजेंट जर्नी स्टार्टेड विद डियर पैजेंट विद अंजना मैम कारल सर. सो या ओके, सो एंड यू वन द टाइटल ऑफ मिसेस ग्लैमरस, राइट? मिसेस ग्लैमरस, यस मैम, यस. तो जब आपको ये सो आई टाइटल वॉज मिला, एक्चुअली तो वेरी जी मैं पूछी थी, जब आपको हेलो ये टाइटल मिला तो कितना ग्लैमर का जो क्वेश्चन था आपकी लाइफ में, और कितना बढ़िया? वैसे तो आप काफी ग्लैमरस हैं, बट उसके बाद कैसा लोग बोलते थे, थैंक अरे यू वाह, सो देखो मच. मिसेस ग्लैमरस आ रही है सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स के बीच में. वो तो ऐसा आई गॉट दैट सब टाइटल ऑफ यू नो मिसेस ग्लैमरस. तो एवरी वन वॉज सो हैप्पी एंड मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था. आई वॉज लाइक रियली, मैंने जो सोचा था कि मुझे क्राउन मिलेगा, एटलीस्ट आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ ब्यूटिफुल क्राउन एंड आई वन मिसेज यू नो ग्लैमरस. सो आई वॉज वेरी हैप्पी यू नो एंड माई फ्रेंड सर्कल, माई फैमिली, एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी फॉर मी. बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम श्योर आपकी एक बेटी भी है, वो भी अपनी मम्मा पे जी बहुत प्राउड होंगी. तो कुछ बातें अपने फैमिली और अपनी बेटी के बारे में बताइए. जी मैम, मैम बेसिकली आई स्टे विद माई फैमिली एंड आई एम अ सिंगल प्राउड मदर. सो आई हैव अ डॉटर, अ वेरी ब्यूटिफुल डॉटर, शी इज अराउंड 15 ईयर ओल्ड एंड या माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग. सो या हेलो कल्पना, आई मिस्ड आउट, आपकी आवाज नहीं आई एंड में. आप कुछ बोल रही थी अपनी डॉटर के बारे में. जी, जैसे मैंने बोला मेरी एक डॉटर है जो बहुत ही यू नो प्रिटी है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत मोटिवेटिंग है एंड शी ऑलवेज वांटेड मी कि मम्मा यू गो, यू ट्राई एंड क्राउन लेकर आना पक्का. आई वाज लाइक ओके, आई विल डेफिनेटली गेट अ क्राउन फॉर यू. एंड मैंने सो आपकी डॉटर मेरे के वीडियोस मुझे देखे, आई थिंक शी इज आल्सो अ डांसर, शी वांट्स टू बिकम अ डांसर, राइट? शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग मैम, शी लव्स डांसिंग एंड शी इज बेसिकली, उसने कहीं से सीखा नहीं है नो, वट एवर शी इज डूइंग वो सब देख देख के शी इज लर्निंग एंड शी इज डूइंग इट. सो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड यू नो शी इज ऑल्सो इन टू दैट,
शी ऑलवेज मोटिवेट यू नो टू गो अहेड इन लाइफ एंड एंड शी इज वेरी सपोर्टिव एंड गॉर्जियस डॉटर आई हैव. ओह दैट्स ग्रेट. एंड कल्पना, बिकॉज़ आप एक सिंगल मदर हैं एंड ऐसी बहुत जी सारी मैम महिलाएं हैं हमारे देश में जो आज एक सिंगल पेरेंट हैं बिकॉज़ ऑफ सम और द अदर रीजन. जी सो आप कुछ टिप्स जी देना चाहेंगी ऐसी मदर्स को कि जॉब के बीच में और परिवार के बीच में कैसे एक बैलेंस बना के रखना है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? कुछ पेरेंटिंग टिप्स अगर आप हम सबके साथ शेयर कर सके तो. सी बेसिकली जैसे जब जब मैं सिंगल मदर थी हुई जब मुझे ये लगा कि अब एवरी वॉज ऑन मी. सो आई हैड टू आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग इन माई यू नो आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग काइंड ऑफ पर्सन. बट द मोमेंट आई गॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बींग सिंगल पेरेंट, मुझे अकेले सब कुछ करना है, सो ऑटोमेटिकली एक वो एनर्जी यू नो आ गई दैट आई हैव टू बी स्ट्रांग, आई हैव टू बी वेरी पॉजिटिव यू नो बिकॉज आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग अलोन. एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा होता है मैम यू नो बिकॉज इट्स लाइफ, इट्स नॉट ईजी, बट इट्स ऑन यू हाउ यू टेक दैट लाइफ अहेड. आपको आपके ऊपर आप उसको कितना डिफिकल्ट और कितना ईजी बनाते हो. सो इनिशियली इट वॉज नॉट वेरी ईजी, बट देन आई हैड डिसाइडेड कि मुझे स्ट्रांगली हर एक चीज लाइफ में करनी है. एंड देन यू नो आई मैनेज एवरी थिंग, आई वर्क, आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 20 ईयर्स इन मेकअप फील्ड. एंड यू नो डॉटर को संभालते संभालते काम घर यू नो एंड टच वुड आई हैव अ वेरी वेरी सपोर्टिव फैमिली. तो मुझे नो सपोर्टिव पार्ट ऑफ माई फैमिली की मुझे डॉटर के केस में इतना वरी टेंशन नहीं लेना पड़ा. दे यूज टू ऑलवेज हेल्प मी कि यू नो डोंट वरी वी आर देयर फॉर यू एंड योर डॉटर. सो काम और फैमिली दोनों बैलेंस हो गया, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. आप अगर दिल में ठान लो कि आपके ऊपर यू नो आप में है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल दैट, यू कैन हैंडल एनी थिंग. एंड यू शुड आई थिंक वी शुड बी प्राउड दैट वी आर सिंगल मदर, एंड जो दो इंसान करता है वी आर डूइंग अलोन. सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. बिल्कुल. एंड बहुत जी सारे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो काफी सारे जी टीनेज इश्यूज आ जाते हैं, बिकॉज आपकी डॉटर भी एक टीनेजर है, तो उनको आप कैसे जी काउंटर करती हैं? कैसे बच्चों को समझाना चाहिए या कैसे उनको सही राह दिखानी चाहिए? सी बच्चे टीन एज में है, बचपन में है, लेकिन वो दे आर किड्स यू नो एंड वी शुड बी ऑलवेज देयर फॉर देम एज अ फ्रेंड. बिकॉज आई फील अगर बच्चों को लगेगा कि हमारे पेरेंट्स यू नो दे आर वे फ्रेंड्स विद अस, दे विल शेयर ईच एंड एवरी थिंग विद यू लाइक अ फ्रेंड. एंड यू हैव दैट यू नो यू विल गेट दैट प्रॉपर आइडिया, प्रॉपर टिप्स एंड टेक्निक्स टू हैंडल देम वंस यू बिकम फ्रेंड विद योर किड्स. एंड आई ऑल्सो फील यू नो बच्चे जो भी देखते हैं पेरेंट्स को देखते हैं, पेरेंट्स यू नो देख के सीखते हैं. सो अबाउट माई डॉटर इफ आई टॉक, शी इज वेरी सपोर्टिव यू नो. मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ दैट आई एम अलोन. एंड यू नो जो भी मैं उसको बोलती हूँ वो अच्छे से सुनती है, समझती है, चीज़ों को रिएक्ट करती है. तो आई फील इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट यू नो बच्चों को हैंडल करना. बट मैं उसके साथ वैसे रहती हूँ, वी डोंट यू नो पीपल दे सी अस, दे डोंट से दैट यू आर मदर डॉटर, आप तो फ्रेंड्स जैसे रहते हो. बिकॉज आई फील द डे आई स्टार्टेड यू नो टॉकिंग टू हर लाइक अ फ्रेंड, शी वॉज मोर क्लोजर टू मी, शी यूज टू शेयर थिंग्स विद मी. एंड एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. मदर डॉटर का तो बॉन्ड रहता ही है, बट वंस यू बिकम फ्रेंड विद योर किड्स वो एक और एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है आपके और आपके बच्चे के बीच में. सो दैट इज दैट मेक्स यू नो चीजें आपको बच्चों को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल हो जाती हैं. बिल्कुल. एंड आई थिंक जो आपने जी ये बात कही कि फ्रेंड्स बनना चाहिए एंड उनको इतनी इंडिपेंडेंट देना चाहिए जिससे कि वो कुछ भी किसी भी मैटर के बारे में आपसे आके बात कर सकें, तो खुल के शेयर बात करें. कर सकें, एंड बिल्कुल इस वे में ही सही शुरुआत होती है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं या यू नो उनके फ्रेंड्स उनको कुछ आइडियाज अग्री दे देते हैं जो शायद पेरेंट्स को नहीं पसंद आते. बट देन व्हेन किड्स राइट कम एंड डिस्कस दैट विथ यू,
एंड यू टेल देम दैट दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग इन अ अग्री, फ्रेंडली वे. आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी वंडरफुल टिप. वेरी, एक और चीज मैं या कल्पना आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसी जी बहुत सारी महिलाएं हैं हमारी कंट्री में, क्या बहुत अलग अलग देशों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको लगता जी है कि यू नो अब मेरे को एक बच्चा है या मेरे को एक बच्ची है, अब आई कैन नॉट कम आउट ऑफ अ बैड मैरिज, इट इज वेरी डिफिकल्ट यू नो टू बिकम अ सिंगल पेरेंट. तो या ऐसी महिलाओं को आप क्या बोलना चाहती हैं, क्या मैसेज है जो आप आगे रखना चाहेंगे? सी, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट बिकॉज वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड टू कम आउट फ्रॉम दैट इज नॉट इजी, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट ऑल्सो. यू नो आई फील इफ इट इज नॉट अ हैप्पी मैरिज लाइफ और समथिंग एंड यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैम फॉर योर किड्स एटलीस्ट. सी बिकॉज यू कैंट बी इन अ बैड रिलेशनशिप, कल को बच्चे बड़े होते हैं, यू सी दे सी दैट थिंग एंड ऑल, तो वो इम्प्रेशन बच्चों पे पड़ता है जो भी हमारे बीच में होते हैं, फैमिली पेरेंट्स के बीच में. सो आई फील इंडिपेंडेंट पेरेंट बनने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इनाफ. ठीक है, आपको आपका एक माइंड सेट करना होता है कि हम जो चीज़ हम दो इंसान करते थे वो अब हमको अकेले करना है, एंड इट्स नॉट ईजी बट इट इज नॉट इवन इम्पॉसिबल. यू नो सो एक अपना माइंड सेट करना बहुत जरूरी है एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी इट्स नॉट डिफिकल्ट. यू नो यू विल डेफिनेटली बी अ वेरी प्राउड एंड इंडिपेंडेंट मदर्स वंस यू मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. यस, बहुत अच्छी आपने ये बात बोली. ओके, सो कल्पना, मैंने आपसे पेरेंटिंग के बारे में तो काफी सारी चर्चाएं कर ली. अब मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप वेकअप फील्ड से हैं एंड जी हमारा जो संस्थान है जिसके लिए हम लोग आज ये क्वीनी टॉक्स कर रहे हैं, दीवा पेजेंट्स, दैट इज मोर इन टू पेजेंट्स एंड ग्लैमर एंड यू नो ऑल द गर्ल्स नीड टू लुक लवली एंड ब्यूटिफुल ऑल द टाइम. जी जी सो कुछ मैं आपसे ऐसे इजी टिप्स जानना चाहती हूँ मेकअप के बारे में जो आप हमें बता सकें. जी मैंने देखा है दैट बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो ट्रेंड्स के साथ ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद करती हैं, बट वो जी जो ट्रेंड होता है जरूरी नहीं है कि उनके फेस पे अच्छा लगे. लाइक फॉर मी, इफ आई करेक्ट विल अप्लाई वेरी डार्क लिपस्टिक, आई आई फील कि वो ट्रेंडी तो मैं लगूंगी बट शायद मेरे चेहरे पे सूट ना करे. तो ऐसे राइट बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए. तो ऐसे कुछ आप हमें छोटे टिप्स और जल्दी वाले टिप्स अगर बता दें तो हमारी जो जी गर्ल्स हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज करना. बिल्कुल बिल्कुल. सी बेसिकली आज की डेट में हर कोई ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहता है. यू नो व्हाट एवर इज गोइंग इन ट्रेंड दे वांट टू गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड. सो ऑफ कोर्स दे कैन गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड बट बेसिकली इट इज यू नो दे हैव टू ऑल्सो सी व्हाट इज यू नो यू वांट टू गो फॉर द विद द ट्रेंड बट डज दैट ट्रेंड इज सूटिंग यू और नॉट, यू हैव टू सी दैट ऑल्सो. एग्जाम्पल इफ द ट्रेंड इज ऑफ डार्क लिपस्टिक बट आई हैव टू सी वेदर द डार्क लिपस्टिक इज सूटिंग मी और नॉट. So what I can do it, you know, trends are of different colors, you know, textures and all, but you can change it according to your complexion. You know, if the trend is of, example, the trend is of nude colors and all, and if I'm a dusky or a person who's like, you know, nude color is not looking nice, I can always mix and match with something and make it look more better on me, or I can combine it with a beautiful eye makeup, you know. So makeup is basically you have to always mix and match and choose according to your complexion and personality. So yeah. Okay, and what according to you जी are nice colors or which suit fair people? आपके हिसाब से ऐसे कौन से कलर्स हैं जो फेयर पीपल को ज्यादा यूज करने चाहिए? सी अगर फेयर पर्सन है तो यू नो एनी एनी कलर know that any color will look nice on fair people, but it again depends how the that person is carrying that color. Color अच्छा लग रहा है, but you are not carrying it in the right way, you are not applying it in the right way, वो नहीं अच्छा लगेगा. So the basic tips and techniques has to be there, the way you are applying it or the way you are you know choosing the colors. So I think fair complexion पे mostly सारे color suit हो जाते हैं, but then I think फिर भी you know if the person and depends on the choice also. In case आप जैसे आपने कहा आपका complexion of course very fair, you are fair, but then you don't prefer very dark color. Because what happens, very dark color on fair people looks makes their lips look very dark, you know, and the you know the complexion looks
फेस इज वेरी फेयर एंड द लिपस्टिक इज वेरी डार्क, सो यू कांट गो फॉर समथिंग वेरी डार्क, बट यू कैन गो फॉर अ डार्कर शेड विच इज अकॉर्डिंग टू, विच इज सूटिंग अकॉर्डिंग टू योर कॉम्प्लेक्शन. या एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन व्हाट नॉर्मली अबाउट कुछ ऐसा प्रॉब्लम पिंकिश होता नहीं एंड है. डार्क स्किन टोन्स? See, I will always suggest, you know, people who are slightly towards dusky and wheatish should go for the tones of wines, burgundies, you know, tone of brick colors and all. But never go for brown because that is a very basic color. Everyone comes and then brown lipstick, you know, we want brown lipstick. But they don't think that brown is nice nude color for them, but brown will make their complexion look more dull. So they can, instead of going for a brown, they can go for a brown which has a tone of burgundy or a wine in it. So that will enhance their complexion. So for wheatish and dusky complexion, I will always suggest to go for a, you know, tones of wines and burgundies. ओके, ऑल राइट. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कल्पना इज दैट बहुत सारे पार्टीज में या यू नो सोशल गैदरिंग्स में हमको ऐसे लोग दिख जाते हैं जिनका जो फाउंडेशन होता है वो उनके कलर से जी मैच नहीं कर रहा होता, या तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है या काफी ज्यादा लाइट हो जाता है. लाइट तो हो सकता सही है. तरीका क्या है परफेक्ट फाउंडेशन अपने लिए चूज करने का? सी आई विल सजेस्ट, ये आपने सही बात बोला है. इवन यू नो व्हेन यू गो टू पार्टीज एंड यू सी, अरे इंसान का यू नो फेस इज लुकिंग वेरी डिफरेंट एंड द बॉडी कलर इज वेरी डिफरेंट, दे डोंट रियलाइज यू नो कि द कलर व्हाट आई हैव टेकन इज नॉट राइट शेड फॉर मी. बट अभी जैसे इंडियन मेंटेलिटी होती है, एवरी वन वॉन्ट्स टू लुक फेयर. वो अगर फेयर भी होते हैं ना, स्टिल दे वॉन्ट टू लुक मोर फेयर, बट दे डोंट सी कि आई एम नॉट चूजिंग द राइट कलर. फेयर दिखना इज ठीक है, हर कोई चाहता है फेयर दिखे, बट क्या हम राइट कलर चूज कर रहे हैं कि जो हम फेयर दिखना चाहते हैं वो उसमें दिख रहा है या नहीं. नॉर्मली वॉट हैपन्स, जैसे वी ऑल्सो गेट क्लाइंट्स यू नो इन आवर स्टोर, एंड फर्स्ट क्वेश्चन होता है यू नो फाउंडेशन चाहिए लेकिन वी वॉन्ट टू लुक फेयर. देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि सी आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट टू लुक फेयर, बट योर कॉम्प्लेक्शन इज यू नो मीडियम और एग्जाम्पल व्हीटिश. बट इफ यू वॉन्ट टू लुक फेयर, यू नो यू गो फॉर अ लाइटर कलर. वॉट विल हैपन, द लाइटर कलर विल ऑक्सीडाइज ऑन योर कॉम्प्लेक्शन एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग फेयर, आफ्टर सम टाइम यू विल टर्न लुकिंग यू नो इन टू ग्रेज, दैट डार्क कलर वेर योर फेस लुक्स डिफरेंट एंड योर बॉडी लुक्स डिफरेंट. या सो आई थिंक राइट जो पॉइंट है मेकअप फाउंडेशन चूज करने का इज ऑलवेज ट्राई एंड चेक. वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ फाउंडेशन, आप फाउंडेशन खरीद रहे हैं तो ऑलवेज, अभी ड्यू टू पैंडेमिक अभी फेस पे ट्राई वगैरह तो सब जगह मोस्टली बंद है, बट वेन एवर नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर अ फाउंडेशन शॉपिंग, ऑन योर यू नो दिस लाइन, दिस जॉ एरिया, यू कैन ऑलवेज ट्राई अ टू थ्री शेड्स ऑफ नो शेड्स विच आर क्लोजर टू योर स्किन कलर एंड चूज समथिंग विच इज वेरी नियर टू योर स्किन कलर. बिकॉज इफ योर बेस इज राइट, योर रेस्ट मेकअप विल लुक नाइस. इफ योर बेस इज रॉन्ग, योर जितना भी अच्छा आई मेकअप है या लिपस्टिक लगा लिया या जो कर लिया, वो एक आई मीन द मेकअप विल नॉट लुक नाइस. सो दैट इज द राइट वे, यू ऑलवेज ट्राई टू थ्री कलर्स क्लोज टू योर स्किन टोन एंड देन. एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट वेन यू गो फॉर अ फाउंडेशन शॉपिंग, ट्राई फाउंडेशन, कीप इट फॉर सम टाइम एंड देन डिसाइड ऑन द कलर. यू नो ऐसा नहीं कि मैंने लगाया इमिजिएट आई विल डिसाइड कि भाई ये मुझे अच्छा दिख रहा है, मैं गोरी दिख रही हूँ, आई विल टेक दिस, बिकॉज उस वक्त वो दिखता है, बट देन वंस इट गेट सेटल डाउन इट गिव्स यू एग्जैक्ट लुक हाउ इट विल लुक ऑन योर फेस. सो ऑलवेज वेट फॉर सम टाइम एंड देन फाइनलाइज योर फाउंडेशन. जी एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू आस्क यू. बहुत बार मेकअप आर्टिस्ट भी ये मिस्टेक करते हैं, जो मेरे साथ भी काफी बार जी हो जाता है, दैट पीपल हु हैव ओके स्मॉलर आईज और यू नो मीडियम साइज आईज, और वो ऐसा मेकअप करते हैं कि वो आई पॉप आउट होने के बजाय काफी और छोटा लगने लगता है, राइट? ईदर दे आर नॉट जी यूजिंग करेक्ट लैशेज, या फिर बहुत डार्क मेकअप कर दिया है, या बहुत ही ज्यादा लाइट मेकअप कर दिया है. तो इजी कोई आप ऐसा टिप बताइए जिससे यू नो पीपल कैन मेक देयर आईज पॉप, दे लुक मोर बिगर एंड मोर ब्यूटिफुल, इजियर इन अ इजियर वे, बिकॉज हम बेस्ट सबको इज खुद ही इतना फेस करते हैं. करेक्ट. सी बेस्ट इज इफ एवरीवन विल हैव अ बेसिक आइडिया हाउ देयर आई शेप इज, राइट? एग्जाम्पल ऑन माई आईज, इफ आई सी इट्स आई इट्स मोस्टली वी हैव डिफरेंट यू नो शेप्स इन आई आईज ऑल्सो. सो जस्ट सी योर आई ऑन योर यू नो वेन यू आर सीइंग मिरर, जस्ट सी हाउ योर आईज आर. इफ यू फील योर आई शेप इज स्मॉलर, डोंट गो फॉर अ कलर विच इज वेरी डार्कर, यू नो वेरी डार्क ब्राउन्स और
वाइन्स और डोंट गो फॉर एनी थिंग विच इज डार्कर टोन विच बिकॉज एनी थिंग डार्कर यू अप्लाई विल मेक दैट पार्ट यू नो पुश बैक एंड विल अपियर मोर स्मॉलर एंड डीप. सो एनी थिंग ऑन अ स्मॉलर आई सर्फेस यू कैन अप्लाई एनी थिंग लाइट कलर्स और शाइन कलर्स विच विल पॉप आउट योर यू नो योर विच विल अलाउ योर आईज टू लुक पॉप आउट एंड यू नो बिगर. बट एनी थिंग ऑन द बिगर आई शेप यू कैन अप्लाई एनी थिंग देन देर इज नो प्रॉब्लम. यू कैन अप्लाई एनी कलर्स बट वही जो टिप्स एंड टेक्निक्स दैट मैटर्स. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन अबाउट मेकअप. बाकी तो आई थिंक गर्ल्स के काफी सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछेंगे. जी बट बहुत बार ये गलती मेरे से भी होती है. जहां पे कॉन्टोर करना होता है वहां पे गलती से मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, जहां पे हाईलाइट करना होता है वहां पे कॉन्टोरिंग हो जाती है. तो आपके जी हिसाब से कॉन्टोरिंग कहाँ करना चाहिए एंड हाईलाइटिंग कहाँ करना? ओके. सो जैसे कि ट्रेंड्स की बात हम कर रहे थे, ट्रेंड्स होता है और बेसिक एक ट्रेंड है हाईलाइट एंड कॉन्टोरिंग जो चलते आ रहा है और चलते जाएगा आगे भी. तो बेसिकली कॉन्टोरिंग मीन्स एनी फेस पार्ट यू वांट टू पुश बैक और मेक इट लुक लेस और स्मॉलर यू विल यूज कॉन्टोर. सो दैट कैन बी एग्जाम्पल नाउ ड्यू टू लॉकडाउन आई हैव बिकम मोर चबी. सो यू नो आई हैव अ यू नो दिस चबी चीक्स. सो आई वॉन्ट टू मेक इट लुक मोर स्लिमर और मोर स्कल्प्टेड. सो वॉट आई कैन डू इट इफ आई कैन शो आई हैव केप्ट फ्यू प्रोडक्ट्स अराउंड मी. सो आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क. सो एनी थिंग हाँ एग्जाम्पल आई एम यूजिंग. सो आई विल टेक द ब्रश आई विल टेक द प्रोडक्ट. सो आई विल सी दिस माई ईयर का पार्ट यू कैन सी या सो फ्रॉम दिस पार्ट. सो आई विल टेक इट दिस वेयर माई आईब्रो एंड्स. ओके सो दिस इज माई सो इट विल बी अराउंड यहाँ स्टार्ट फ्रॉम योर एंड टिल योर टिल माई आईब्रो एंड. हाँ बट डोंट टेक इट टिल योर चीक्स या इट विल बी योर टिल योर एंड ब्लेंड इट. जितना हल्का आपका हाथ होगा उतना ब्लेंडिंग ईजी होगा एंड मेकअप विल लुक मोर स्मूद. सो कॉन्टोरिंग होती है चीक्स में विच इज योर टू मेक योर चीक्स लुक स्कल्प्टेड. कॉन्टोरिंग विल बी टू हाइड योर डबल चिन जॉ इफ यू हैव अ हैवी जॉ. सो अगेन यू विल टेक द कलर एंड अप्लाई द डार्कर कलर ऑन दिस एरिया. ओके ओके तो सो गर्ल्स वेन यू यू कैन सी प्योर या सो सी यू डार्कर एंड कलर नॉट योर प्योर. या एंड विल बी योर नॉट ऑन द विजिबल पार्ट विल बी लिटिल लोअर एंड इट शुड ब्लेंड. ब्लेंड होना बहुत जरूरी है. अगर ब्लेंड नहीं हुआ तो आप इन देयर शुड पर्सन अगर नॉट साम बी एनी विजिबल लाइंस, राइट? देयर शुड राइट नॉट बी राइट एनी इट हैज टू विजिबल बी वेल लाइंस. ब्लेंडेड. यस ओके वो हो गया है. नोज कॉन्टरिंग होता है तो नोज कॉन्टरिंग में बेसिकली यू अप्लाई द डार्कर कलर ऑन दिस एरिया या यू मेक अ यू कैन यूज इट पाउडर यू कैन यूज इट क्रीम एनीथिंग फॉर द कॉन्टोरिंग. यू विल यूज द डार्कर कलर फ्रॉम हियर टिल हियर. यू पुट अ डार्क कलर हियर एंड देन अगेन जस्ट ब्लेंड इट. ओके एंड पुट अ लाइट द हाईलाइटर हियर. वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ द डार्कर कलर दिस विल पुश बैक एंड बिकॉज ऑफ द हाईलाइटर योर नोज विल लुक मोर शार्प. यू नो यस एज इट यस विल गिव यू यस अ इल्यूजन ऑफ अ लॉन्ग यू नो गुड दिस नोज. फॉर लाइक फोर हेड कवर अगेन कॉन्टोर यू कैन कवर दिस. You know, if you have a broad forehead, you can use the contour powder on that area. So contour is basically used on your cheeks, jawline, your forehead, your nose. You know, to on your collarbones and all, you can use the contour powder. And then highlighter is basically to highlight your feature. So it can be, it will be on high planes of your face. So it will come on your when you touch your face, you can see a you know a bone on your this Yeah, beauty here. bone. You this Yeah. part beauty bone. So highlighter will be on this part. Okay so it won't be very close to your eyes. Take the highlighter just blend it here and just take it here slightly. So highlighter will be this part. Highlighter will be on your nose bridge of the nose. Highlighter will be on your cupid bow. Okay on your this part in case you want that. And highlighter you can apply a little bit on your this area. Yeah little bit on your slightly this area, yeah, and also on your brow bone. When you touch here, you can see a brow bone, yeah. Yes, So you can apply highlighter on that area. So any high planes, any bones or feature which is coming out, like you know your temple thing, your bridge of the nose, your this part, your chin, this thing, you can apply highlighter on that part. But then again, your makeup is think a all lot about of blending. girls. Yes, just 1 second, Kalpana. I think a lot of Yes. girls are asking questions.
तो गर्ल्स जस्ट वेट फॉर 5 मिनट, उसके बाद हम आप सब लोगों के क्वेश्चंस ले लेंगे, जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आ रहे हैं. जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, लेट हर गिव अस ऑल द टिप्स एंड बाद में हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे. जी कल्पना, आप बताइए. जी, सो कॉन्टोर इज बेसिकली टू पुश बैक योर फ्लॉज एंड हाईलाइटर इज टू हाईलाइट योर फीचर. सो इट कैन बी योर नोज, ब्रिज ऑफ द नोज आई टोल्ड यू, यू नो टेम्पल ऑफ योर दिस थिंग एंड योर फोरहेड, स्लाइटली ऑन योर क्यूपिड बो ऑन योर चिन पार्ट. बट मेकअप इज ऑल अबाउट ब्लेंडिंग एंड टेक्निक्स. इफ योर ब्लेंडिंग इज राइट, योर टेक्निक्स आर राइट, मेकअप विल लुक नॉट विल लुक नाइस. बट आप कितना भी अच्छा मेकअप ब्रांड यूज कर लो, कुछ कर लो, बट इफ योर टिप्स एंड टेक्निक्स आर नॉट राइट, मेकअप विल नॉट लुक नाइस. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टिप्स एंड टेक्निक्स. ओके, एंड एक और आखिरी प्रश्न है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ. बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉन्ज यूज करना पसंद करते हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जो करना पसंद करते हैं, तो आपके हिसाब से बेटर क्या रहता है टू गेट दैट फ्लॉलेस इफेक्ट ऑन योर स्किन? See, it again all depends on your how, what kind of skin type you have, how flawless is your skin. You know, makeup mein you can use brushes, you can use sponges. So aisa kuch nahi hai ki, you know, you if I'm comfortable with brush, so I will use my whole makeup with the brushes only, like, you know. And sponge, you know, some people are comfortable with the sponge. Sponge se thoda ek look mein heavy na, makeup mein thoda heaviness aa jata hai. Because when you take sponge, sponge will take more of quantity, more product quantity. And when you apply on the face, so when you press that sponge, the product quantity comes on your skin. So basically, when you use sponge, the quantity will be slightly more than a brush. Because when you use brush, it's on the sweeping motion. So it will be lesser in quantity. And sponge will give you slightly heavier look. Okay. But when you are expert, you can use both. It's fine. Like with sponge, you can get a brush kind of effect, and with a brush, you can get that kind of effect. Yeah. All right. Thank you so much, Kalpana. Welcome, ma'am. Okay. तो अब मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, वो ये है कि आपकी और अंजना एंड काल की रिलेशनशिप के बारे में हमें कुछ बताइए. अंजना मैम और काल सर के साथ रिलेशन बेसिकली एक बोल सकते हैं, इट्स डायरेक्ट दिल से दिल का कनेक्शन है, यू नो. Because when I met Anjana ma'am and I, you know, I spoke to her, मुझे ऐसा लगा नहीं कि I don't know her or I'm coming first time into this pageantry or something. They are so supportive, they are so sweet, and you know, आपको लगेगा ही नहीं कि you know आप first time ये चीज आप try कर रहे हो, and they are very very supportive and helpful. तो उनके साथ एक अलग ही connection है. I feel very comfortable talking to them. You know, I share. थिंग्स, मुझे पेजेंट्री रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, कहीं कुछ ट्राई करना है, कुछ है, आई ऑलवेज आस्क देम एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी, लाइक फॉर एवरीवन, यू नो. लाइक आपको कुछ भी सोचना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, अंजना मैम काल सर इज ऑलवेज देयर फॉर यू. सो आई हैव अ वेरी वेरी यू नो दिल से दिल का रिश्ता विद देम. सो आई फील वेरी क्लोजनेस विद देम. सो बिल्कुल. ओके, सो अब हम जा रहे हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ. तो मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके अलावा कोई गुरु रंधावा को डेट पे ले जा सके तो आप उसका क्या हाल करेंगे? तो ये बताएंगे बहुत ज्यादा की पागल वाला प्यार जो है वो आप करती हैं गुरु रंधावा से, तो ये इस प्रश्न का जरूर उत्तर दे दीजिए. मैम मैंने मेकअप का सामान रखा, मैंने एक्चुअली चाकू रखना भूल गई हूँ. अगर मुझे पता चले कि गुरु रंधावा के साथ कोई और जा रहा है तो पहले उस इंसान का मर्डर कर दूंगी. बिकॉज गुरु तमाम करेंगी, तमाम कर दूंगी, खुद लेके जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. आई डोंट, आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद हिम, यू नो. आई जस्ट आई एम क्रेजी फॉर हिम. चलिए, आपको जल्दी ही आई एम श्योर कि गुरु रंधावा जी आपसे मेकअप करवाएं एंड आपको बहुत ज्यादा. मैम ही एक्चुअली टुक अ प्रोडक्ट फ्रॉम मी, उनके आए थे. हाँ, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी. मुझे ऐसा लगा कि गुरु रंधावा विल यूज द प्रोडक्ट विच आई एम गिविंग, तो मेरे हाथ से दिया हुआ वो प्रोडक्ट लेने वाले हैं और उसी से वो लगाएंगे. तो आई वॉज एक्चुअली, मुझे कुछ दिन तक तो अच्छे से नींद नहीं आई ये सोच सोच के. उनको सामने देखने के बाद उनके साथ ऐसा प्यार हुआ या पहले से ही था? नहीं, आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक हिम अ लॉट, बट पता नहीं बाद बाद में धीरे धीरे ना, जब भी उनका कोई वीडियो कुछ देखती थी, मैं वीडियो नहीं देखती थी, सिर्फ उनको ही देखती थी. आई मीन उनको इन द सेंस गुरु को ही देखती थी सिर्फ. सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू हिम
आई रियली लाइक हिम, बहुत ज्यादा. यू जी, वोंट तो बिलीव, मेरे को गुरु अच्छा लगता रंधावा है कि ने वो एक लेते शूज हैं लॉन्च जी। किया है. जी, गुरु रंधावा ने एक शूज लॉन्च किया है एंड ही हैड अ ऑफर वेर यू बाय इट विद इन 24 आवर्स एंड यू विल गेट अपॉर्चुनिटी विद यू नो टू डू अ वीडियो कॉल विद हिम. मैम आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक दिन पहले से फोन लेके बैठी थी कि कब वो डेट स्टार्ट होगा एंड कब मैं बुक करूँ. एंड जैसे वो साइट ओपन हुई आई इमिडिएटली बुक द शूज सो आई कैन हैव अ वीडियो कॉल विद हिम. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे जब मैं उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करूंगी एंड आई विल माय गॉड, डेफिनेटली शेयर अ आप स्क्रीन जब शॉट विद आओ यू तो ऑल. जरूर बताइएगा, हम लोग लाइव देखेंगे आपका वीडियो कॉल, उसको जरा लाइव टेलीकास्ट करेंगे, देखेंगे बिल्कुल आप गुरु रंधावा से क्या क्या बातें करती हैं, ये जरूर जानना चाहेंगे, सारी गर्ल्स जानना चाहेंगी आई एम श्योर। ओके, जी. तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि अगर मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई और फील्ड में आप जा सकती हैं तो वो क्या फील्ड होती है? मैम बेसिकली आई थिंक मैं बॉर्न आर्टिस्ट ही थी. स्कूल में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई में तो आई वॉज नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, बट ये सब चीज़ों में मेरा दिमाग लगता था. यू नो स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज होते थे वे यू हैव टू शो योर क्रिएटिविटी, आई वॉज ऑलवेज देयर. यू नो तो बचपन से मेरा जो था दैट वॉज टूवर्ड्स क्रिएटिविटी एंड ऑल. तो आई थिंक यही एक वजह है कि मेकअप आई सिलेक्टेड अ मेकअप फील्ड बिकॉज इट कम्स टू यू नो डिफरेंट कलर्स, यू कैन प्ले विद डिफरेंट कलर्स, यू कैन प्ले विद डिफरेंट फेसेस, नो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिफरेंट लुक क्रिएट्स कर सकते हो. तो आई डोंट थिंक कि मैं शायद मेकअप आर्टिस्ट के अलावा कोई प्रोफेशन चूज कर पाती, बट अगर कुछ होता तो आई थिंक टीचर बनना पसंद करती. अच्छा, मुझे लगा आप बोलेंगी गुरु रंधावा की सेक्रेटरी बनना चाहूंगी मैं। हम क्योंकि तब पता नहीं था उसके काम बारे है में. कि भी अपॉइंटमेंट से वो मैं ही डिसाइड करूं, किससे मिलेंगे वो मैं ही डिसाइड करूं, कॉफी भी मैं दूं, खाना भी मैं खिलाऊं, मैम फिर तो इसलिए उसका मैम कोई उसका जीना हराम हो जाएगा, उसको उसका प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा. जी बात नहीं, फिर आपके साथ जाएंगे ना डेट पे प्रोफेशन छोड़ के। जी ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपसे अब पूछ रही हूँ। मेरा नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अगर आप अपनी बेटी को कोई एडवाइस दे सके, एक ही एडवाइस अगर आप दे सके तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहिए? मैम एडवाइस इन टर्म ऑफ आगे लाइफ के लिए और एनी माय आई मीन कोई भी, इज इट जो ए भी आपको लगता है कि ये एक एडवाइस तो मुझे मेरी बेटी को देना ही देना है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं ये चाहूंगी कि मैं एक एडवाइस ये दूंगी अपनी डॉटर को कि बेटा यू नो जो भी आप करो यू नो कीप बिलीव इन योर सेल्फ. यू नो कभी भी कोई भी काम गलत मत करो जिससे यू नो यू विल हैव दैट फीलिंग. दूसरों का छोड़ दो, आपके दिल में ऐसा नहीं आना चाहिए दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. सो ट्राई यू नो कि आप कभी कोई गलत काम ना करो. यू नो बिलीव इन योर कर्मा, आप जो भी आपके कर्मा हो वो क्लियर रखो, कुछ भी गलत चीजों में ना करो. तो है बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, एक वर्ड जो आप काल और अंजना के लिए सिलेक्ट करना चाहेंगे? मैम. सर और मैम के लिए एक वर्ड तो सिलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वो एक वर्ड ही में फिट ही नहीं होते हैं. यू नो दे हैव आई मीन दे आर एक्चुअली अ डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू मेंटोर आई फील. यू नो अगर आप बोलेंगे मेंटोर की एक डेफिनेशन हो तो मैं वो डेफिनेशन में काल सर और अंजना मैम का नाम लिखना चाहूंगी. सो फॉर मी दे आर ट्रू डेफिनेशन ऑफ अ यू नो डेफिनेशन ऑफ ट्रू मेंटोर बिकॉज मैंने जो भी सीखा है मेरा फर्स्ट स्टार्टेड आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ यू नो अंजना मैम एंड काल सर. सो दे वर वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल. यू नो मैम इंट्रोडक्शन जहाँ जैसे होता है लाइफ में, मैंने जब पेजेंट में आई और इंट्रोडक्शन के बारे में जो हमें बोलना था कि आपको इंट्रोडक्शन देना आपके बारे में, मुझे जहाँ तक पता था इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में बोलो. यू नो बेसिक माई नेम इज दिस 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 ये खत्म. बट इंट्रोडक्शन का एक ट्रू मीनिंग यू नो आप अपने आप को किस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हो और बता सकते हो एक नए तरीके से जिसमें लोगों को भी इंटरेस्ट रहे आपको जानने में, वो मुझे काल सर ने सिखाया है. बिल्कुल सो बिल्कुल, हाँ सो आई मीन आई कांट फॉरगेट माई इंट्रोडक्शन विच काल सर नो टोल्ड मी. सो इट वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी, वेरी न्यू, एक नई कल्पना को मैंने उस दिन जाना वो न्यू इंट्रोडक्शन में. सो एंड आई थिंक काफी सारे लोगों ने भी नई कल्पना को जाना जब आपने इतना डार्जलिंग और ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दिया फिनाले के दिन। तो कल्पना, कुछ मैम याद है आपको थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन जो आप बोलना चाहेंगी हमारी जनता के लिए? जी बिल्कुल याद है. बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन था दैट आई एम पहाड़ी बाय नेचर, पुनेकर बाय हार्ट.
लुक एट मी, आई एम क्लास अपार्ट. वाओ माई डॉटर साक्षी, इट्स बेसिकली माई डॉटर साक्षी इज एपल ऑफ माई आई, रेजिंग हर अलोन ब्रिंग्स टीयर्स टू माई आई. सो दैट वॉज माई इंट्रोडक्शन बेसिकली. मैं थोड़ा वेरी गड़बड़ हो गई थी नाइस. डर के मारे, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर माई इंट्रोडक्शन. सो दिस वॉज एक्चुअली ट्रू कल्पना, ट्रू मीनिंग ऑफ माई यू नो थिंग, जो मैं लाइफ में फेस किया है, जो मैं हूं, मैं उसमें इंट्रोडक्शन में, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में अपने आप को बताया था. यस एंड डेफिनेटली मुझे भी याद है आपका वो पहाड़ी वाला एंड पुनेकर या वाला. आई रिमेम्बर योर इंट्रोडक्शन वेरी वेल ऑल्दो इट्स 2 years नाउ. तो बहुत ही जी धमाकेदार वाला इंट्रोडक्शन था आपका. अच्छा तो अब ये सारी लड़कियां जो है ना ये एकदम पागल हो चुकी हैं कि कल्पना जी हमें मेकअप टिप्स बताएंगी और क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते जा रहे हैं. तो निकिता भवानी का मैं पहले प्रश्न ले लेती हूँ बिकॉज 2-3 बार वो डाल जी चुकी है सेम प्रश्न. वो पूछ रही है जी कि मैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या यूज करूं, मैं जब भी मेकअप करती हूँ मेरा मेकअप कुछ देर बाद ब्लैक हो जाता है, मतलब आई थिंक ग्रे हो जाता है, वो ये बोलना चाह रही है. सो सी बेसिकली ग्लोइंग स्किन स्किन अगर आप चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी स्किन एग्जैक्टली है कैसी, आपको वो जानना बहुत जरूरी है कि आपका स्किन ड्राई है या ऑयली. एग्जाम्पल, आपका स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो यू डोंट हैव टू डू मच फॉर अ ग्लोइंग स्किन, बिकॉज ऑयल का ग्लो ऑलरेडी इज देयर ऑन योर फेस. ओनली थिंग यू हैव टू यू नो रिड्यूस इट लिटिल बिट. बट अगर आपका स्किन ड्राई है, तो यू हैव टू फर्स्ट टू गेट दैट ग्लोइंग स्किन, यू हैव टू अप्लाई अ गुड गुड स्किन केयर. सो योर स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर मेकअप, बिकॉज वेन योर स्किन केयर इज गुड, योर मेकअप विल लुक नाइस. या सो योर गुड मॉइस्चराइजर, योर गुड क्लेंजर, यू नो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू गेट दैट ग्लोइंग स्किन, यू गेट लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड ऑल. सो यू कैन, इफ यू वॉन्ट मेकअप, देन यू कैन गो फॉर दोज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, विच इज लाइक हाईलाइटर, इल्यूमिनेटर्स, यू नो यू गेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. बट टू गेट नेचुरल ग्लोइंग स्किन, यू हैव टू फर्स्ट यू नो टेक केयर ऑफ योर गुड स्किन केयर एंड ईट हेल्दी, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, सो दैट विल गिव यू अ ग्लोइंग स्किन. एंड हाँ, यस एंड आई मेकअप ग्रे थिंक जो लगता है पानी पानी पीना बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है रियली में मैंने बेसिकली. देखा है जो लोग पानी नहीं पीते हैं और वो कितना भी फ्रूट अग्री. खा लें, जूस पी लें, प्रोटीन शेक पी लें, दवाइयां खा लें, कोई फायदा नहीं होता है. तो पानी पीना, आप 4 लीटर पानी कम से कम आप पीजिए, तब आपका पीना स्किन पे बहुत जरूरी रियल है. में बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा. से हम बाहर से कितना भी मेकअप कर ले, यू नो आई बिलीव कितना भी हम मेकअप कर ले, बट हम इंटरनली अगर हेल्दी नहीं है, इंटरनली मॉइस्ट नहीं है, हमारा बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, तो दैट विल शो इन योर स्किन. सो टू कीप योर स्किन लुक मोर ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ यू नो वॉटर, यू नो जूसेस, विटामिन सी एंड गुड स्किन केयर, देन बहुत जरूरी है. एंड कीप योर सेल्फ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी. बिल्कुल बिल्कुल. एक और प्रश्न आ गया है, क्राफ्ट योर विशेस पूछ रही है हाउ टू गेट मोर डिस्काउंट ऑन मैक प्रोडक्ट्स, आई लव मैक लिपस्टिक्स. तो ये वो जानना चाहती है आपसे भाई कि डिस्काउंटेड वाला मैक प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैक कभी नॉर्मली डिस्काउंट देता ही, नॉर्मली तो क्या डिस्काउंट देता ही नहीं है, यू नो यू नेवर गेट डिस्काउंट्स. बट जैसे कभी कभी होते हैं, वी गेट यू नो डिस्काउंट ऑन फ्यू लिमिटेड प्रोडक्ट्स, बट दैट कम्स लिमिटेड, कभी कभी आता है, बट नॉट एवरी टाइम यू गेट दैट. और उस डिस्काउंट में यू गेट वेरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स, यू विल नॉट हैव टू मच ऑफ ऑप्शंस. बट डिस्काउंट इज सच नहीं है. ऑफर्स यू विल गेट अ लॉट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग एंड ऑल, यू गेट ऑफर्स एंड ऑल, वॉट एवर इज देयर इन द कंपनी, यू गेट दोज ऑफर्स. पहले सैम्पल्स वगैरह वी यूज टू प्रोवाइड एंड ऑल, बट नाउ ड्यू टू पैंडेमिक नथिंग वी कैन गिव, नो चलिए डिस्काउंट, कोई सॉरी. बात नहीं, आप क्राफ्ट योर विशेस श्रीलंका एयरपोर्ट पे ट्राई कर लीजिएगा, वहां पे काफी मैक पे ऑफर चलते रहते हैं, हाँ लेकिन उसके लिए आपको श्रीलंका डिपेंड्स जाना एवरीवेयर पड़ेगा. इज, हाँ जी इट्स एवरीवेयर डिफरेंट, यू नो एवरी कंट्री विल हैव डिफरेंट दिस थिंग. बट यहाँ थोड़ा गड़ में है कि यू डोंट गेट डिस्काउंट, बट टू गेट परफेक्ट सर्विस एंड ऑल, मैक की आपको बेस्ट टिप्स एंड टेक्निक्स जाननी है, सर्विस चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज कम टू एनी मैक स्टोर एंड यू नो टू गेट, यस यू विल गेट अ बेस्ट सर्विस देयर, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो, क्योंकि वो आपको सजेशन. जो यस प्रोडक्ट देते हैं करेक्ट. जबरदस्ती नहीं देते हैं, आपकी पूरी स्किन की छानबीन करके दिया जाता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है. क्योंकि एक मैक वाली गर्ल ने मुझे मेकअप देने से मना कर दिया था बिकॉज उसका बोला था मेरा फेस टैंड है, तो उसने मुझे बोला पहले घर जाओ अग्री. मैम, इसमें
लगा के टैन उतारो एंड फिर आओ, फिर मैं आपको सही फाउंडेशन दूंगी, सो आई अग्री रिमेम्बर दैट. अग्री तो सी, बिकॉज वी बिलीव इन ठीक सर्विस, यू नो वी डोंट सजेस्ट एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज वी वॉन्ट यू नो क्लाइंट्स टू कम बैक. यू नो आई डोंट वॉन्ट टू सजेस्ट समवन कि वो दोबारा भाई मेरे नाम से भी डरे और मैक में आने से भी डरे. सो ऑफकोर्स हम लोग ऐसी चीजें सजेस्ट करेंगे जो यू नो विल वर्क परफेक्टली फॉर यू. सो वी ऑलवेज देव टू सजेस्ट यू द बेस्ट प्रोडक्ट विच विल वर्क फॉर योर स्किन. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, सो नेक्स्ट प्रश्न आया है, यशोदा पूछ रही हैं कि जी कई बार उनका आईलाइनर वो गलत तरीके से लगा लेती हैं, तो उन्हें कुछ इजी टिप बता दीजिए कि परफेक्ट आईलाइनर वो कैसे अप्लाई कर सकती. जो आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन, आप अगर लाइनर लगा रहे हैं सो इट डिपेंड्स. लाइनर ऑल्सो यू यू नो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनर्स यू कैन अप्लाई, बट सिंपल टिप्स एंड टेक्निक्स अगर आपको लाइनर सीखना है और आपका प्रॉपर नहीं लगता है, आजकल बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स है वे यू कैन लर्न हाउ टू पुट अ बेसिक लाइनर. सो ऑलवेज यू नो यू कैन सिंपल वे यू कैन पुट सेलो टेप आता है, टेक अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ दैट, यू कैन जस्ट पुट दैट टेप हियर टिल योर आईब्रो एंड्स. एंड जैसे आपको विंग लाइनर चाहिए डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ शेप यू वॉन्ट, यू पुट द टेप ऑन दैट एरिया एंड देन कनेक्ट योर लाइनर टू दैट टेप एंड फिल द गैप. सो दैट विल बी इजी. और एनी टाइम वेन एवर यू आर यूजिंग लाइनर ऑलवेज सपोर्ट योर गिव सपोर्ट टू योर हैंड वाइल यूजिंग लाइनर, बिकॉज जितना स्टेडी हैंड रहेगा उतना लाइनर विल कम मोर प्रिसाइज एंड शार्प. सो ऑलवेज बिल्कुल यू नो गिव सपोर्ट टू योर हैंड वाइल यूजिंग लाइनर. यस. एंड अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आया तो एक टिप मुझसे ले लीजिए, आप सिर्फ काजल लगाइए और खुश रहिए, क्योंकि मैं वही करती हूँ. क्योंकि मैं बाकी सब नहीं, ट्राई कर चुकी हूँ पर कभी मेरा अच्छा नहीं, तो काजल लगाओ बट और खुश रहो अगर एक्चुअली नहीं आ रहा है तो. एक्चुअली जो ये डर है लाइनर के लिए कि भाई यू नो लाइनर लगता नहीं है, इट्स एक्चुअली नॉट वेरी डिफिकल्ट. वंस यू आर यू लर्न हाउ टू पुट अ लाइनर देन आप आराम से कैसे भी कोई भी लाइनर लगा सकते हो. सो एनी यू नो आप कभी फ्यूचर में भी अगर कभी आप स्टोर में कोई भी मैक स्टोर में जाएं और वंस दे स्टार्ट विद द सर्विस, अभी फिलहाल तो सर्विसेज बंद हैं, वंस यू नो दे द रेगुलर हो जाएगा सब कुछ, सो यू कैन गो टू एनी मैक स्टोर, यू कैन टेल देम यू विल गेट डिफरेंट सर्विसेज जहां आप सीख सकते हो बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स प्रोडक्ट्स लगाने की. ओके, सो लक्ष्मी इज आस्किंग यू कि बेस्ट प्राइमर फॉर ओपन पोर्स उनके, अगर आप उन्हें सजेस्ट कर सकें तो. सी ओपन पोर्स के लिए अभी बेसिकली सी आई वर्क फॉर मैक, सो आई नो मच अबाउट मैक, यू नो सो आई कैन, इट्स नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग मैक हियर, बट आई कैन, आई नो अबाउट मैक प्रोडक्ट्स, आई कैन हेल्प यू आउट यू नो सजेस्टिंग देम. बट आप मार्केट में और सर्वे कर सकते हो. सो सिंस इन एग्जाम्पल इन मैक वी गेट अ प्राइमर कॉल्ड यू नो स्किन बेस्ड विसाज, उसमें डिफ्यूजर्स होते हैं सो विच यू नो रियली ब्लर्स आउट योर ओपन पोर्स एंड फाइन लाइन्स एंड गिव्स यू मोर स्मूदर लुक. सो इट रियली हेल्प्स इन गेटिंग योर मेकअप मोर स्मूथ, योर मेकअप स्टेज फॉर मोर लॉन्गर टाइम. सो फॉर मी ऑल्सो यू नो आई एम सॉरी बट वो मैंने सामने ही रखा है, आई ऑल्सो यूज दैट सेम प्राइमर. सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल यू नो सिंस आई इवन आई हैव द टेक्सचर्ड स्किन पोर्स एंड ऑल, दैट रियली हेल्प्स मी आउट. ओके, सो आई थिंक लक्ष्मी जी को अपना जवाब मिल चुका है. एंड मैं बता दूं लक्ष्मी जी के बारे में एक बात, बहुत सीनियर पेजेंट गर्ल हैं दीवा की, 2017 में ये सेकंड रनर अप रह चुकी हैं मिसेस महाराष्ट्र की, एंड अभी करती हैं अपना खुद का पेजेंट फेस ऑफ मुंबई. तो भाई ओह लक्ष्मी जी को लक्ष्मी, पता चला या है. आई नो जी ओके, मैम एनीथिंग यू कैन तो आस्क मी, आई एम देयर एवरीवेयर ऑन एफबी इंस्टा ग्रुप्स लक्ष्मी में हूँ. कल्पना को ना डीएम कर दो, वो तुम्हें सारे टिप्स और सारे प्रोडक्ट की लिस्ट भेज देगी कि प्रॉपर तुम्हारे लिए यस क्या बेस्ट है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वन सेकेंड ऊपर चले जाते हैं क्वेश्चन, तो मुझे दिखने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है. ओके, सो बंदना इज आस्किंग यू, वो जानना चाहती हैं कि गुड जी ब्रशेस फॉर फाउंडेशन एंड आई शेडो, कौन से ऐसे ब्रशेस हैं फाउंडेशन और आई शेडो के जो उन्हें परचेज करने चाहिए. से वैसे आप देखने जाएंगे ना तो आपने देखे भी होंगे ब्रशेस के पूरे किट्स होते हैं, बट बेसिकली आपको वो सब की जरूरत नहीं होती. दैट इज बेसिकली फॉर द प्रोफेशनल यूजर. आपको एक सिंपल आई मेकअप करने के लिए भी बेसिक दो ब्रशेस की जरूरत होती है. इफ आई कैन, आई मीन आई डोंट हैव देम राइट नाउ, बट समथिंग लाइक यू नो ऐसा कुछ फ्लफी ब्रश होगा, दिस काइंड ऑफ फ्लफी ब्रश, एंड वन इज समथिंग लाइक दिस स्मॉल, एक होता है स्मॉल दिस काइंड ऑफ, सो इट्स यस कॉल्ड फ्लैट एंड दिस फॉर ब्लेंडिंग. सो
सो क्या होता है, ये दो ब्रश आपके पास होंगे ना, तो यू कैन क्रिएट एनी आई मेकअप विद देम. सो द फ्लफी वन विल बी फॉर द ब्लेंडिंग ऑफ योर आई शेडो एंड द फ्लैटर वन विल बी फॉर द प्लेसमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन योर आई सर्फेस. एंड फाउंडेशन के लिए ऑल्सो यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस, सो डिपेंड ऑन योर स्किन यू नो विच ब्रश विल वर्क. सो एनी ब्रश यू कैन यूज, ड्यूअल फाइबर ब्रशेज आते हैं, फ्लैटर ब्रश आते हैं. सो आई प्रिफर फ्लैट ब्रश बिकॉज फ्लैट ब्रश आपका कम प्रोडक्ट लेता है स्किन में एंड गिव्स यू वेरी इवन स्किन टोन. आई थिंक फ्लैट ब्रश इज बेटर. देन अगेन डिपेंड्स ऑन वॉट स्किन टाइप यू हैव. यस, बिल्कुल। एंड लक्ष्मी जानना चाहती हैं, एक बार नाम उन्हें वापस से बता दीजिए, ओपन पोर के लिए जो आपने प्राइमर बताया था, बिकॉज उन्होंने मिस कर दिया आई थिंक नाम। स्किन बेस विसाज, इट्स कॉल्ड प्रेप एंड प्राइम स्किन बेस विसाज. ओके, सो इट्स कॉल्ड प्रेप एंड प्राइम। लक्ष्मी, यू विल गो टू एनी मैक स्टोर, दे'ल टेल यू एंड यू कैन अप्लाई एंड चेक एज वेल आफ्टर द या पेंडेमिक, सी, ऑफ हाँ, कोर्स। आफ्टर द पेंडेमिक व्हाट यू कैन डू इट, यू नो, बिफोर बाइंग इट, व्हाट यू कैन आस्क देम फॉर अ सैंपल ऑफ इट. अभी तो फिलहाल बंद है, बट वंस दिस क्लियर्स आउट, यू कैन आस्क देम फॉर अ सैंपल, ट्राई इट फॉर अ वीक, एटलीस्ट फॉर 5 days अ वीक. देन द मोमेंट यू लाइक इट, देन यू कैन बाय इट. सो मैक इज ऑलवेज, यू नो, जितना भी हो सकता है, दे ऑलवेज गिव यू सैम्पल्स टू ट्राई, सो यू विल एक्चुअली गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑल, एंड देन यू कैन एक्चुअली बाय देम. सो डायरेक्ट वे इन्वेस्ट करने से अच्छा बेटर यू कैन ट्राई एंड ऑलवेज टेक. ओके, जस्ट अ सेकेंड। भाविका पूछ रही हैं कि आफ्टर अप्लाइंग मेकअप इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द मेकअप, मेकअप रिमूवर डैमेजेस माय स्किन, सो हाउ टू रिमूव मेकअप इन प्रॉपर वे। See, first it depends what kind of makeup remover she is using it and what kind of makeup she is using it. Example, if I'm using something which is very waterproof on my lips and eyes, okay, or something very, you know, I'm wearing a full face makeup and I'm removing it with a normal cleanser, of course, because to remove that makeup, your pressure will be more on your face, you will rub your face and the makeup will not come out because the cleanser is not made for the long wearing makeup. So it depends. If your makeup is something which is long wearing and waterproof, you are using more of that, you know, more of full makeup, use something which is meant for that kind of makeup. And that also you can depend on the skin type. If it is oily skin, you know, you get products for oily skin, you get to remove makeup, you get products for oily skin, you get products for dry skin. So according to the skin type, then you can choose. And the best way, what I prefer, I remove my makeup with my parachute oil. Because I always prefer, you know, I use mostly long wearing makeup. So at night, once I reach home or, you know, I take that, massage it nicely on my face for 2 minutes and then just spray rose water and clean my face. Because makeup जितना लगाना इम्पोर्टेंट है, उतना उसको रिमूव करना उससे ज्यादा लगाना इम्पोर्टेंट है. भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। लगाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज इफ यू डोंट रिमूव इट प्रॉपरली, आपका स्किन डैमेज होगा फॉर श्योर. सो यू हैव टू रिमूव योर मेकअप केयरफुली. मेकअप लगा के कभी सोना नहीं चाहिए. So always make sure your face is well cleared, you removed your full makeup, you know, सोने से पहले आपको मेकअप निकालना बहुत जरूरी है. ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप नहीं निकालेंगे तो दूसरे दिन आपको पिंपल आ परमानेंट जाते मेकअप हो हैं। जाएगा. मेरा परमानेंट मेकअप हो जाता है अगर नहीं निकालो, मतलब परमानेंट आई मीन एक दो नो, हफ्ते आई का मेकअप सीन, हो यू नो, जाता आई है, सीन मुझे फीमेल्स जो बिल्कुल थोड़ा लेजी हो जाती हैं कि यार छोड़ो ना, लेजी हो रहा है, कल निकाल लेती हूँ सुबह. फिर सुबह वो पैंडा आईज हो जाती है, यू नो, एंड यू ब्रेक आउट. या सो बिल्कुल। यू हैव टू रिमूव योर मेकअप केयरफुली. ओके, सो एक प्रश्न था जो मैंने पढ़ा था बट वो ऊपर चला गया है एंड मैं नाम नहीं बता पा रही हूँ कि किसने ये क्वेश्चन पूछा है, बट उनका प्रश्न कुछ ऐसा था कि मेकअप करने के बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है उनकी स्किन पे, तो उसको हटाने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। सी, स्वेटिंग के लिए तो कोई, यू नो, यू डोंट गेट एनीथिंग विच विल कंट्रोल योर स्वेट, बिकॉज इट्स नेचुरली इट इज प्रोड्यूस ऑन योर फेस एंड ऑल. बट अगर मेकअप के बाद उनको ज्यादा स्वेटिंग होती है, वॉट यू कैन डू इट, द बेस्ट वे, यू नो, टिश्यू पेपर होता है, मैंने मेकअप किया है एंड आई एम स्वेटिंग, सो इंस्टेड ऑफ रबिंग योर फेस, जस्ट वेर एवर यू आर स्वेटिंग, जस्ट प्रेस योर, यू नो, टिश्यू, सी, नथिंग विल कम आउट. यस, और बिल्कुल। स्वेट भी, स्वेट, एंड हाँ, सो स्वेट हमें भी मतलब जी, बोलिए 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 कल्पना।
हाँ तो वही, तो स्वेट कंट्रोल करने के लिए तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट आप मेकअप करने के बाद आपको स्वेट होता है तो जस्ट कैरी अ टिश्यू पेपर यू नो एंड जस्ट टैप कर दीजिए फेस पे, इंस्टेड ऑफ डोंट रब इट, ऑलवेज जस्ट प्रेस इट, नेवर रब इट, तो आपका मेकअप भी रहेगा और जो स्वेट है वो भी टिश्यू में चले जाएगा। बिल्कुल। एंड मैं आपको बता रही थी कि बड़ी धमाकेदार कड़कते बादलों वाली बारिश चालू हो चुकी है पूना में जी जी। एंड हमारे पास बस कुछ ही मोमेंट्स बचे हैं, 2 या 3 मिनट का समय बचा है 1 घंटा पूरा समाप्त होने में। तो कल्पना, इन द एंड मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्वीनी टॉक्स का ये सेशन करके आपको कैसे लगा, एंड आपको थैंक यू भी करना चाहूंगी कि आपने इतने इजी और बहुत ही प्यारे टिप्स हम सबको दिए जो हम सब लोग यूज कर सकते हैं डेली मेकअप जब हम करते हैं या जब हम मेकअप उतारते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आखिर में आपसे 2 वर्ड्स में जानना चाहूंगी कि आपको हमारा सेशन करके मैम, कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अंजना मैम, काल सर, यू, जो मुझे यू नो चांस मिला है कि क्वीनी टॉक्स में आई कैन कम एंड टॉक, यू नो जो फन, एंड आई लव्ड इट बिकॉज आई वॉज यू नो वॉचिंग योर क्वीनी टॉक्स एंड ऑल, एंड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मेरा नंबर कब आएगा, यू नो व्हेन आई विल कम इन दैट एंड आई विल हैव चांस टू टॉक एंड यू नो रिमूव रिमूव माई हार्ट आउट। सो फाइनली मुझे आज वो चांस मिला है, सो ऑल थैंक्स टू यू ऑल, एंड आई एम जस्ट लविंग इट, यू नो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम आई वॉज लिटिल बिट नर्वस, बट आई वॉज एक्साइटेड मोर टू हैव दिस काइंड ऑफ सेशन, बट इट वॉज अमेजिंग मैम, इट वॉज अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो मच कल्पना फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड जैसे ही पेंडेमिक खत्म होता है हम लोग मिलेंगे और जल्दी से रश टू वैक्स मैक्स लगाएंगे और स्टोर, बिल्कुल, प्रोडक्ट्स आई एम खरीदने और ऑलवेज बहुत सारे देयर। शॉप लेने या मैम एनी टाइम, ऐसा नहीं है कि यू नो डिवा क्वींस, एनी वन, एनी एनी डाउट, एनी थिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, नॉट इन डिस्काउंट, बट या आई एम देयर फॉर टिप्स एंड टेक्निक्स इन एंड सर्विस। एक्सपर्टीज, यू आर ऑलवेज देयर। तो आई एम यस श्योर यस यस आई एम एक्सपर्टीज ऑलवेज बहुत देयर। इंपॉर्टेंट होता है राइट प्रोडक्ट जी खरीदने के लिए है। जी तो जी जिस जिसको भी मेकअप खरीदना है प्लीज यू कैन रीच आउट टू कल्पना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच थैंक यू कल्पना फॉर सो मच, ज्वाइनिंग थैक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरी वन, यू नो थैंक यू। इन। एंड दिस इज फारा अनवर साइनिंग ऑफ एज वी फिनिश द 24th एपिसोड ऑफ दिस धमाकेदार सीजन ऑफ क्वीनी टॉक्स। टिल देन बाय। बाय एवरीवन, थैंक यू।